सचमुच नग तो बड़ा ही सुंदर है और कितने आनंद से घूम रहा है। महाराज मुझे इसे पकड़ कर दीजिए, देखते कितना सुंदर लगता है। पकड़ने की क्या आवश्यकता है, हमारे पास ही तो है। नहीं महाराज, मैं इसे पालूंगी, सुंदर सुंदर फूलों की माला इसके गले में डालूंगी, हरी हरी घास इसे खिलाऊंगी, जी चाहता है यह मेरी कुटिया में ही रहे। और यदि यह भाग जाए, हमारे हाथ न आए तब? आप प्रयत्न तो कीजिए, यदि जीवित हाथ न लगे तो मृगशाला ही सही, बिना खान न हो इसकी तो कुटिया आशंकार होगी, सोने की मृग की मृगशाला एक अद्भुत यादगार होगी। अच्छा प्रिय, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण तुम सावधान होकर रहना। जो आता है वो बुरे।
दशग्रीव, मैंने ब्राह्मण समझकर तुम्हारा सत्कार
तुमसे ये कार्य नहीं हो सकेगा। ब्राह्मण दशग्रीव, तुम जो भी हो मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। तुम्हारी छाया से वन की शांति भंग हो रही है। सीता, दशग्रीव अकेला नहीं जाएगा। वह देखो, मेरा रथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें पैदल चलने में कष्ट होता होगा, आओ उसमें आसीन हो जाओ। पापी नीरज, दूर हो जा। राम पत्नी को दुख देने वाला देवता हो या मनुष्य अथवा राक्षस, इस संसार में सुखी नहीं रह सकता। अगर अपने प्राणों से हाथ धोकर नहीं आया तो जिस मार्ग से आया है वहीं से वापस चला जा। प्रथम इसलिए कि राम के धनुष से निकले बाण तेरी अस्थियों को चकनाचूर कर दें। सुंदरी, तुम्हारे सौंदर्य ने दशग्रीव को मुक्त कर लिया है, वरना इस प्रकार के सत सुनने की शक्ति रावण में नहीं थी। क्या वन में अकेली देखकर बल प्रयोग करोगे? क्या ऐसा होता देख पृथ्वी और आकाश कंपित नहीं होगा? क्या पतिव्रता का पतिव्रत धन उसकी रक्षा नहीं करेगा? जो कार्य सीधी उंगलियों से न हो उसे टेढ़ी उंगलियों से कर लिया जाए तो क्या बुरा है? यदि पतिव्रता के कोप से पृथ्वी और आकाश हिलने लग जावे तो सुबह से शाम तक भूकंप आते रहते हैं। इसलिए इस विचार को त्याग दे और इस सत्य पर विचार कर कि पृथ्वी और आकाश का स्वामी दशग्रीव तुम्हारे चरणों में अपना सर्वस्व छावर कर रहा है। जिस पृथ्वी और आकाश पर तू जैसे पापी का राज्य हो, सीता वहां थूकती भी नहीं। करती छोड़ी भिक मंगे की सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा है नी पतंगे। मैं पतंगा नहीं सीता, मैं भीषण ज्वालामुखी हूँ कि अचानक फूटू तो समस्त संसार को भस्म कर दू। मैं भिक मंगा नहीं सीता, अबला पर शूरवीरता दिखाने वाले लंपट लंकेश, चोरी का कर्म करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? लज्जा लज्जा दाढ़ का वध करते समय तुम्हारे स्वामी की लज्जा कहाँ थी? भाई सूट रखा की नाक काटते समय कहाँ था तुम्हारा धर्म? आज मैंने एक का जवाब पत्थर से दिया है, तो मैं चाहे का निरादर किया गया उसका प्रतिकार क्या जाना ही चाहिए था। रावण ने अपना अपमान करने वाले को कभी समा नहीं किया। सीता, यदि समय कहीं से राम निकल आए तो तुम निश्चय ही दशग्रीव को
मनुष्य नहीं गधा कह सकती हो। यदि इस स्थान पर किसी के आने की संभावना होती तो रावण तुझ पर हाथ डालता। सुन, कान खोल कर सुन, तेरे स्वामी राम और लक्ष्मण मेरे सेनापति मारी से युद्ध कर रहे हैं। जब तक उनमें से एक का अंत नहीं होता यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। इस समय यहाँ पर आने के समस्त मार्ग बंद है और जब तक तुम्हें सहायता मिले रावण का रथ प्रसाद विषय में निश्चिंत रहो। रावण जानता है कि राम रावण युग का परिणाम क्या होगा, इसलिए वह तुझे ले जा रहा है क्योंकि वह नहीं चाहता कि भारत पर आक्रमण करके अपनी शक्ति का व्यय करे। इसलिए तुम्हारा हरण करके सागर पार लंका देश में ये जा रहा है। वहां पहुंचकर देखेंगे कि सूर्य नाग सूर्य बंध का होता है अथवा राक्षस बंध का। मेरा मन कहता है कि नाग सूर्य बंध का ही। तो यह वृद्ध जटायु भी प्रतिज्ञा कर चुका है कि जीते जी तुम्हें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने लक्ष्मण, मैं सबसे बड़ा चकित हुआ और जब पास जाकर देखा तो मारीच बना था माया अमृत एक हैरी चाल उसी की थी। मरते मरते मेरे स्वर में हटे विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं कुछ घटना घटी आश्रम में। कहता है माया नेत्र मेरा वैद ही नहीं आश्रम में। व्रत में मैं पवित्र सीता तुम कहाँ हो भैया? लक्ष्मण, अब सीता कहाँ होगी भैया? कहाँ जाऊँ, किसे पूछूँ? खग मृग
तुमने मेहनत मैंने देखी कोकिला तू कर बतला दे तूने कोकिल मैंने देखी हंसो मत हंसो बताए पे चल कर उस राज हंसनी को सिंह बजो इतना कह दो देखा रजपूत सिंह ने को बताओ बताओ मन के पछले की आशा बताओ बताओ जवाब दो तुमने उसे रोका क्यों नहीं ए पहरे दारे बंद रखो बोलो बंदेवी किधर गई उगती कुटी तू ही बदला मैं इधर गई या हे पंचवटी सोनी रामचंद्र की प्रगति बता किस ओर